नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन, इलेवेंथ का चैप्टर वन जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, बहुत सारी बातों को लेके चलता है, पर हम जिस तरह से हम उनको पढ़ें, एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जो बुक में जिस लाइन से दिया हम उसी तरह से उसको पढ़ लें तो क्या वो हमें समझ में आएगा और हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कैसे हम उन सारे कॉन्सेप्ट को समझें और फिर हम बुक पढ़ें तो हर चीज समझ में आए। दो तरह की बातें होती हैं। प्रॉब्लम यहां पर है बेटा कि अगर इस जैसा कि बुक में टॉपिक टू टॉपिक जो चीज समझाई गई है, अगर उसी ऑर्डर में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को सिखा पाऊंगा, समझा तो पाऊंगा, आप याद भी कर लेंगे, नोट्स भी बन जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा सिखाना। और जरूरी यह है कि आप सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर कोई काम कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहली बात यह है, मैं यही चाहता हूं कि आप सीखते जाएं इस चैप्टर को, फिर फाइनली इसके जो टर्म्स हैं हर चीज, जब हम एक बार बुक ओपन करेंगे, आपके सामने यहां पर बुक ओपन करूंगा, वो बुक दिखाऊंगा कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे, वो सारी बुक मैं यहां पे स्क्रॉल करूंगा आपके सामने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो हर टॉपिक, हर पॉइंट आपको एकदम क्लियर है। आप हमारे साथ पेड कोर्स में हैं, इसका मतलब है कि हम आपको अच्छे से अच्छा केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे केमिकल बैलेंसिंग के लिए। आपको मैंने फ्री वीडियो में भी दिया है ये टाइप के टॉपिक, आपने देखे होंगे, बस मैं उसी चीज को आपको यहां पर कराऊंगा और एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि यहां पर क्या चीज, केमिकल बैलेंसिंग यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंसिंग की जिसको कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण संतुलित करना। कैसे करेंगे वो देखें, और ये काफी आसान है, कैसे वो भी देखें। आज हमारा 8वां लेक्चर है इस चैप्टर का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए इस जगह पे देखें, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। यहां पर कुछ बातें हैं, इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर इन दो लाइनों को अगर हम समझ लें तो बहुत सारे काम हमसे हो सकते हैं। जैसे देखें, पहली बात तो ये बात कही जाती है, इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब एक ही चीज होता है कि कोई भी इक्वेशन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में आपने देखा होगा दोनों तरफ सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन कंपाउंड अलग अलग होता है, दोनों तरफ समान तत्व होते हैं परंतु यौगिक अलग होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूं, सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन कंपाउंड अलग होता है, इस चीज को समझें कैसे। एक सिंपल सा रिएक्शन आप जानते हो कि भाई NaCl का रिएक्शन AgNO3 के साथ होता है, तब बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। मैं ऐसे लिख दिया हूं, आप इसको रिएक्शन समझाना मत बोलो, रिएक्शन में आज मैं रिएक्शन कैसे बनता है ये नहीं सिखाऊंगा, रिएक्शन कैसे होता है ये नहीं सिखाना है, रिएक्शन आपके पास है उनको बैलेंस करना सिखाना है आपको। तो ये देखो एक रिएक्शन लिखा है, दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, देखो एलिमेंट है, दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, सोडियम इस साइड भी है उस साइड भी है, क्लोरीन इस साइड भी है इस साइड भी है, सिल्वर इस साइड भी है उस साइड भी है, ठीक है, और इसी तरह से नाइट्रोजन दोनों साइड है, ऑक्सीजन दोनों साइड है, ये है एलिमेंट्स यानी तत्व, तत्व तत्व दोनों साइड है, लेकिन कंपाउंड यानी कि यौगिक, यौगिक दोनों साइड नहीं है। देखो NaCl जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हो, सोडियम क्लोराइड इस साइड है जबकि उस साइड सोडियम क्लोराइड नहीं है,
ठीक है। इसी तरह से इस साइड क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट, जबकि उस साइड है कोई नया एलिमेंट, सॉरी नया कंपाउंड, वो है सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। आप क्या देख रहे हो, दोनों साइड एलिमेंट तो हो सकते हैं, समान एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड समान कंपाउंड नहीं होते हैं। मतलब दो अलग अलग कंपाउंड आपस में रिएक्शन करती है, आपस में मिलती है और नए कंपाउंड का निर्माण करती है, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को शो करना, उस केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बात है, समझ में आई? केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी रासायनिक क्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, मैंने लिया NaCl, मैंने मिलाया AgNO3 और यहां पर जैसे ये दोनों मिलते हैं और नई चीज इस जगह पे बन जाती है, वो बन जाता है NaNO3 प्लस AgCl। तो इस जगह पे जो घटना हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन संकेतों का उपयोग करते हैं उनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक सॉरी केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन है ये जो हो रहा है, वो घटना क्या है, जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रैक्टिकली जो घटना घट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया है, जो हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिस तरह के समीकरण, जिस तरह के संकेतों का उपयोग करते हैं, उनको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गया। अब दूसरी बात है एलिमेंट्स, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होता है, इसको समझेंगे। समीकरण संतुलित करना क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ समान परमाणुओं को, समान तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करना होता है। ये दोनों तरफ, अगर इधर सोडियम एक है तो उधर भी सोडियम एक रहना चाहिए, इधर सोडियम दो है तो उधर भी सोडियम दो रहना चाहिए, मतलब दोनों तरफ तत्वों को बराबर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यौगिकों की संख्या को चेंज कर सकते हैं। इन तत्वों को, परमाणुओं की संख्या को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यौगिकों की संख्या को चेंज कर सकते हैं। परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तत्वों की संख्या को चेंज कर सकते हैं, यौगिकों की संख्या को चेंज कर सकते हैं, कंपाउंड के नंबर को चेंज करेंगे। तो चेंज करते समय एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि यौगिकों की संख्या को चेंज करेंगे ना, तो ये कैसे, ये भी देखिए थोड़ा सा यहां से, कि चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, CaOH2 ये है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HCl से और ये बन गया CaCl2 प्लस बन गया H2O। अभी रिएक्शन, बातों को पहले समझ लेना, फिर बाद में हम बातें को सोचेंगे कि हमने क्या सीखा है, फिर मैं आपको मौके दूंगा कि आप किस तरह से इसको करेंगे, फिर आप मुझ आप अपनी कॉपी में बना के रखेंगे, फिर चेक करना कि सर ने जो पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही है कि नहीं जो आपने बनाए हैं, ठीक है?
तो ये होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से कैल्शियम क्लोराइड और पानी बनता है। ये पूरे रिएक्शन में एक जरूरी बात देखिए, हम इन यौगिकों की संख्या को चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा है, तो सबसे पहली बातें हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर रहना है। अब देखो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक बार में ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, दो से तीन बार में समझ में आ जाएगा, मैं वो पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो ये फेस करता हूं मैं, कि वो बच्चे उन परमाणुओं की संख्या को काउंट नहीं कर पाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को वो पता नहीं लगा पाते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस मॉलिक्यूल में। वो मैं पहले बताता हूं, फिर कैसे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम यौगिकों की संख्या को बराबर करेंगे। चले, मैं बोल रहा हूं वही एक चीज जो मुझे बताना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला कदम हम उठाते हैं यहां पे कि सारे स्टूडेंट को यह पता होगा कि इस HNO3 में कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। ये मुझे आप बताते जाओ, अपनी कॉपी में लिखो, अपना दिमाग चलाओ और बताते जाओ। आपको पता चल गया इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें आप बोलेंगे एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, ठीक है। सो आपको कैसे पता चला कि एक ही हाइड्रोजन है, तो बोले सर एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक नाइट्रोजन दिख रहा है, ओ के साथ थ्री लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से ये पता चल गया। पर इसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं वो समझोगे, वन एच एन ओ थ्री को कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। यहां पर ध्यान रखें, जैसे यहां पर थ्री लिखा है तो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के लिए हमने कोई नंबर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वन है, जब कोई चीज वन होती है ना तो उसके लिए नहीं लिखता, इसलिए वो वन को नहीं लिखा गया। इसमें हाइड्रोजन भी वन है इसलिए नहीं लिखा गया। तो ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर जो है क्या है, हाइड्रोजन वन है, एन वन है और ये एच थ्री है, इसीलिए यहां पर जो हाइड नंबर है वो जीरो नहीं है, वो कितना है, वन है, वन को नहीं लिखा गया, वन को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मुझे केले केला दो, इसका मतलब है सीधी सी बात है एक ही केला दो, ठीक है। अब केले दो बहुत सारे, पर कितने वो भी नंबर नहीं बताया गया, लेकिन अगर आपको बोला गया नंबर लगा के बोला जाए तो उसके फिक्स नंबर की बात करता है, वैसे ही है फिक्स नंबर जो नहीं दिखाई दे रही है वो वन के लिए है। दूसरी बात है, इसके सामने भी एक नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी वन ही है। अब आपको बता दें, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हाइड्रोजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन के साथ है वन इंटू वन इसलिए वन, नाइट्रोजन के साथ है वन इंटू, देखो वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वन, और ऑक्सीजन के साथ है थ्री इंटू वन इसलिए थ्री। ये रियल में इसकी ये काउंटिंग है, ये कैलकुलेशन है उसका। अब जब यही बातें इस जगह पे आ जाए कि मैंने लिखा है 4HNO3, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये HNO3 के फोर मॉलिक्यूल्स है, अणुमे हैं, अणु, अणु का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम, है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं का समूह। सीधा सा एक छोटा सा जवाब दे देता हूं, बाकी इसके पीछे बहुत सारी और भी डेफिनेशन है जो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन होगा, ये इतनी ज्यादा बेहतर डेफिनेशन इसको नहीं माना जा सकता, फिलहाल काम चलाओ हमारे पास है। तो अणु है परमाणुओं का समूह, हमने लिखा HNO3 के चार अणुए हैं, तो चार अणु है तो परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, अब बताओ ये H के सामने वन है, वन इंटू फोर हुआ, वन इंटू फोर हुआ यानी कि आपके पास फोर है, सीधी सी कहानी है। अब ऐसे फोर है, N है, ये हम बाद में देखेंगे, हम अब बाद में देखेंगे क्योंकि रियल कैलकुलेशन का क्या है वो आपको बता रहे हैं पहले। तो इसी तरह से नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है वन इंटू फोर यानी कि ये भी फोर है,
लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 3 × 4 यानी कि 12 है। हम यहां पर 4 × 12 कह देते हैं, सही है, पर वही बात एक्चुअली ऐसे करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरह से उसको समझ पाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी कि हम कैसे करते हैं। इसी जगह पे अगर ऐसी बातें आती तो मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि आगे जाकर के तकलीफ होना ही बंद हो जाएगा कि हम इक्वेशन बैलेंसिंग के समय हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने, वो उसके लिए बात बताई जा रही है। चलिए एक छोटे सा और मैं आपको देता हूं, उसमें आप मुझे बता दोगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। CuNO3 twice टू सी यू, नहीं टू नहीं ले देता हूं, यहां पे टू करने से फायदा नहीं है क्योंकि टू तो दो जगह यूज हो रहा है, तो इसके जगह मैं टू की जगह मैं दे देता हूं आपको फाइव ही दे देता हूं, फाइव सी यू एन ओ थ्री ट्वाइस। अब यहां पर देखें इसमें सी यू कितना है, अब तो काउंट करके बता सकते हो 1 × 1 यानी कि 1। अब नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं यहां पे, तो ये नंबर इसमें नाइट्रोजन 1 है ना, नहीं दिख रहा है, मतलब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ 1 × 2 × 1 यहां से, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 × 1 यानी कि 2 ही है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीजन 3 × 2 × 1 कितना हुआ 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6 यहां पर बात क्या हो रहा है, सीयू कितना है, सीयू कितना 1 × 5 यानी कि 5। नाइट्रोजन कितना है 1 × 2 × 5 यानी कि ये 2 × 5 यानी कि 10 है, तो नाइट्रोजन यहां पे कितना रियल में 10 है, ये नाइट्रोजन 2 हो गया, यहां से 2 हो गया, 2 × 5 यानी कि 10। ऑक्सीजन कितना है 3 × 6 × 5 3 × 6 = 6 × 5 = 30 इस तरह से यहां पर 30 है। ये जो छोटी सी बात जो नजर आ रही है, यही छोटी सी बात हमको इक्वेशन बैलेंसिंग के समय खतरा बन जाता है अगर ये बातें नहीं आता हो हमें बनाने, तो वो मैंने आपको एक लेवल तक तैयार कर दिया। चलिए बात समझ में आ गई होगी बेटा सबको और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा मैं ये कहता हूं कि जब क्लास चलते रहता है तो उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए अक्सर मैं बोलता हूं कि उस टाइम चैटिंग नहीं करेंगे तो इसलिए। और दूसरी बात ये कहूंगा कि इस टाइम सारी बातों को सुनेंगे समझेंगे, जहां पर आपको कॉपी एक रफ कॉपी जैसा रख लीजिएगा या कॉपी ही रख लीजिएगा जो मेन कॉपी, उसमें जब तक क्लास चलते रहते तब तक कुछ भी रफली ऐसे बनाते रहो, ऐसे चलते रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि रोक के भी करें, कई बार रोकना पड़ता है, तो उसको आप क्या कर लें ऐसे लिखते जाएं। जब कंप्लीट हो जाए पूरा ये क्लास उसके बाद ये वीडियो दोबारा ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद जब दोबारा उनको सुनते हुए जो जो नोट करने का है, जो भी मैं यहां पर स्लाइड दिखाता हूं उनको नोट करने का है, जो प्रैक्टिस करने का है वो जब करेंगे ना, ये परफेक्ट बैठेगा कि जिस दिन आप क्लास जाओगे, जिस दिन आप स्कूल जाओगे, जिस दिन आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आप फुल कॉन्फिडेंट रहोगे, फुल कॉन्फिडेंट रहोगे, ओवर नहीं ना, फुल और ओवर में अंतर है। फुल में बॉटल भरा हुआ है, गिलास पूरा भरा हुआ है, और एक ओवर मतलब वो छलक रहा है, तो छलकना कोई फायदे वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो वो छलकने वाला नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, फुल कॉन्फिडेंट रहोगे, और फुल कॉन्फिडेंस से जब जाओगे, पूरा आत्मविश्वास के साथ जब जाओगे, तो फिर आपके चेहरे पे एक अच्छा चमक रहेगा, और एक मजेदार बात होगी कि आपको आपके टीचर पहचानेंगे, जब टीचर आपको पहचानेंगे तो प्रैक्टिकल नंबर तो वैसे ही बनने वाला है। ठीक है, तो टीचर का जवाब भी दोगे, जो पूछेंगे बताओगे, और उनके साथ बातचीत भी करोगे, अच्छा लगेगा वो चीज। ठीक है, और आगे का तो सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए, तो मैंने जो बताया इसमें हम यहां पे थे, इस जगह पे बात आ रही कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात नियम की तरफ ले जाऊंगा जस्ट थोड़ी देर में, फिर उसके बाद आपको बातें करूंगा। चलिए, यहां पर देखो कैल्शियम
दोनों तरफ एलिमेंट कौन सा है पता चल गया, तो तत्वों या परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करना है, बस यही उद्देश्य है हमारा। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो कैल्शियम एक है इस साइड और कैल्शियम भी एक है इस साइड, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है ऑक्सीजन इस साइड दो है जबकि इस साइड ऑक्सीजन एक है, तो क्या हम ऐसा कर दें H2O2? तो आपको याद रखना होगा इस बात पे कि H2O एक अलग कंपाउंड है और H2O2 अलग कंपाउंड है। आप ऐसी जगहों पर कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकते हैं। यहां पे जो लिखना होगा, जो भी नंबर लिखना है एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 जो लिखना है वहां पे लिखेंगे। सो इस तरह के लिख करके आप क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ एटम को कंट्रोल करेंगे। सो इस जगह पर आप क्या नहीं करने वाले, ये नहीं लिखने वाले, जबकि इस तरफ ऑक्सीजन दो है, मैं ऑक्सीजन को यहां पर टू कर दूं। ओके, अब देखो क्या हो गया, हो गया। अब देखो यहां पर दूसरी बात है, इस तरफ क्लोरीन कितना है, एक है, इस तरफ क्लोरीन दो है, मैंने टू कर दिया, चलिए यही समझ लिया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, दोनों तरफ क्लोरीन बराबर हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इस तरफ देखो 2 2 4, सब कुछ बराबर हो गया है। यह कहलाता है, इस तरह से जो काम करना कहलाता है इक्वेशन बैलेंसिंग, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी दोनों तरफ देखो बराबर हो गया है। अब बात यह होगी क्या इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आपको तकलीफ होगी। तो मैं जहां तक मेरा एक अपना तरीका है इसी रिएक्शन को बैलेंस करने का, जब बच्चा छोटा रहता है क्लास 6th या 7th में रहता है और मेरे पास कभी वो पूछ लिए, वैसे 6th और 7th को नहीं पढ़ाता हूं आपको पता है, फिर भी अगर वो बच्चा पूछ लेता है कि सर इनको बैलेंस कैसे करते हैं या मुझे थोड़ा सा सिखा दो, तो मैं उस बच्चे को कैसे सिखाता हूं वो समझो। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा वही एक चीजें मैं बता रहा हूं और वही काम आप भी करो शुरुआत में, अगर जिनको बैलेंस में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो देखें जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है, तो हम जो किस मेथड का यूज कर रहे हैं, अगर बैलेंसिंग का मेथड कौन कौन से बताएंगे तो भी बात करेंगे, तो हम एक्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं। मतलब इसको बोला जाता है अनुमान विधि, अनुमान लगाना, ये अनुमान क्या है वो देखेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल आप देखें, तो मैं उस बच्चे को कहूंगा CaOH, दो टू है इसमें, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया HCl, फिर क्या बना यहां पे CaCl2, तो CA एक है, तो मैंने ये CA एक उठाया और Cl दो लगा, तो 2 Cl कहां से होगा, मैं दूसरा एक और Cl लूंगा यहां पे HCl, तो इस तरह से ये 2 Cl हो गया। तो देखो एक CA के साथ 2 Cl निकल गया, एक CA 2 Cl निकल गया, हो गया बैलेंस। क्या बैलेंस हो गया, एक क्लोरीन, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। दूसरी बोलते हैं कि H2O बनाओ, तो देखो क्या हुआ, यहां पर एक OH एक H के साथ मिलकर के H2O बनाएगा, तो दूसरा भी ऐसे ही बनाएगा, तो इस तरह से 2 H2O बन जाएगा। HOH पानी है, हम इसको H2O लिखते हैं, हमने ऐसा भी लिख देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास कितना बना, 2 पानी बन गया, बैलेंस हो गया। ये एक सबसे शुरुआत के बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका है, मतलब जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, बार बार ये बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए है यह, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ चीजें जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको मैं थोड़ी सी बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बात, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन किया था क्या करना चाहिए उसके बारे में बात किया था, वो देखो, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी, बराबर करना रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक, बेटा इसमें जो इस तरफ लिखे होते हैं ना वो अभिकारक है, उस तरफ लिखा होता प्रोडक्ट है, ये कहलाता है अभिकारक, रिएक्टेंट या रिएजेंट, अभिकारक
इसको क्या कहते हैं, रिएजेंट या रिएक्टेंट, और इस तरफ को कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, अभिकारक आपस में रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट बनता है, जो नया चीज बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियों में जो भी चीज बनती है प्रोडक्ट कहलाता है। आटों को, आटे, पानी और आग सब हम एक स्पेशल तरीके से प्रोसेस करते हैं तो रोटियां बनती है, तो रोटी प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, आटा हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, और वो ऊर्जा देते हैं यानी कि हीट करते हैं, ठीक है, तब वो बनता है। तो प्रोडक्ट कौन हुआ, वो रोटी हुई, वैसे ही वो प्रोडक्ट हो गया यानी उत्पाद बन गया। चलिए, तो यानी उत्पाद मतलब उत्पादन हुआ ना, उत्पाद बना। चलिए, यहां पर बोला गया है अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। जैसे कि मैंने बताया था दोनों तरफ समान एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है, यह बात बोला गया है। फिर संतुलित करने की कौन कौन सी मेथड है, इक्वेशन बैलेंसिंग की जो मेथड है उनका नाम देखें। पहला है अनुमान विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि, तीसरा ऑक्सीकरण संख्या विधि, और चौथा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। दूसरा आंशिक समीकरण विधि पार्शियल इक्वेशन मेथड कहलाता है। थर्ड है ऑक्सीकरण विधि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहलाता है या रेडॉक्स मेथड कहलाता है। और फोर्थ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन ये भी। तो आपको बता दें इसमें से दो तरीके आपको इस चैप्टर में सीखना है, पहला और दूसरा, और ये जो लास्ट जो दो है इसको चैप्टर 8 रेडॉक्स में सीखना है। चैप्टर 8 रेडॉक्स ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया वहां पे सीखना है। अगर ये दोनों अच्छे से कर लिए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, और यहां पे ये मेथड ही अलग है तो वहां पे बहुत कुछ जानना पड़ेगा तब वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये सिंपल जो हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अनुमान विधि जो होता है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है ना, काफी आसान मेथड है, पर ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है या इसका कोई बेहतर कोई नियम नहीं है, यानी एक्यूरेट नियम इसका कोई भी नहीं है। जब नियम ही नहीं है तो फिर ये नियम कैसे हुआ, ये विधि कैसे हुई, हमारे दिमाग में ही चलेगा ना, जब ये नियम ही नहीं है तो ये विधि कैसे हुआ, मेथड कैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। नहीं, अनुमान विधि में हम उस जगह पर उस रिएक्शन को देख करके कई बार मेथड क्रिएट करते हैं, खुद ही अनुमान लगाते कि इस जगह पर ऐसा कर दें, ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही है, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, लेकिन आंशिक समीकरण विधि का एक फिक्स मेथड है। पर और इन दोनों का तो हम बोलेंगे इन दोनों का तो एकदम परफेक्ट सिस्टम ही है कि उस सिस्टम का यूज करेंगे बैलेंस हो जाएगा। पर आप सोचोगे सर बैलेंस ही तो करना है, इतने सारे कोई भी मेथड से करें एक ही मतलब है, कम से कम इन दोनों में तो एक ही मतलब होगा और इन दोनों में एक मतलब होगा। लेकिन जरूरत किस तरह के रिएक्शन के लिए किस तरह का मेथड यूज करना है वो बहुत मायने रखता है, और ऐसा क्यों इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब आप एक चीज सोचो, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं किसी भी क्लास के बच्चे को, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो या उससे ऊपर का स्टूडेंट हो, अगर मैं कहीं गलती से पूछ दूं उस बच्चे को कि क्या आपको समीकरण संतुलित करने आता है, तो एक बात बता दूं मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि तकरीबन 90% स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आता है। 90% अच्छे स्कूलों के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, है ना, अच्छे स्कूल अच्छे ट्यूशन के बच्चों को ये कह रहा हूं कि मैंने पूछा कि बेटा आपको इक्वेशन बैलेंसिंग आती है, तो उसने बोला यस सर। लेकिन जब उनको इक्वेशन पकड़ा दिया जाता है, इजी सा रिएक्शन पकड़ा दिया जाता है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आप करके देखिएगा,
मैं आपको बहुत सारे रिएक्शन सिखाने वाला हूं। तो इसीलिए बता दूं कि इस मेथड को, पहले वाले मेथड को सिखाने में जो इतने सारी बात कर रहा हूं, इसका कोई ना कोई महत्व है बेटा, है ना। किसी भी चीज को आप फालतू मान करके छोड़ नहीं देना। हर बात जो शिक्षक कहता है वो फालतू बात नहीं है, जो मैंने अभी बताया वो भी फालतू नहीं है, वो भी इफेक्ट करेगा क्योंकि आप तैयार हो रहे हो। तो ये एक मोरल होता है एक इंसान के लिए, है ना, एक तरह का मोटिवेशन होता है एक तरह का, जो इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो चलो देखें अनुमान। ये विधि तो मैं आज बताने वाला हूं, लेकिन ये सेकंड मेथड है, इसको सीखने में टोटल 3 डेज लगते हैं और ये तीन। अच्छा, पहले मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है इसको अनुमान लगाने में, ये समय जो है बहुत खाता है, बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। लेकिन ये मेथड जो सीखने में 3 दिन लगेगा, लर्निंग जो है वो 3 दिन लगेगा, लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत फास्ट है। ये कैसा है? स्लो है। ये मेथड स्लो है, यानी जिस रिएक्शन को आप बैलेंस करने जा रहे हो वो बहुत ही स्लो है, यानी बैलेंस तो करोगे लेकिन काफी समय खाता है ये। सेकंड वाला बहुत फास्ट है, एक्यूरेट होता है, कहीं गलती नहीं होती है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये सिर्फ इजी रिएक्शन को बैलेंस करता है, ये सिर्फ इजी रिएक्शन को बैलेंस करता है। कौन सा वाला? ये फर्स्ट वाला, इजी रिएक्शन को बैलेंस करता है, सरल रिएक्शन को बैलेंस करता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड या जटिल रिएक्शन को भी क्या करता है? कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को, जटिल रिएक्शन को, उलझे हुए रिएक्शन को, जो हम इस रिएक्शन से सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं या बहुत ज्यादा समय लग गया। हो सकता है कभी कभी ऐसे रिएक्शन मिलते हैं कि ऊपर वाले मेथड्स अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको आधे घंटे भी लग जाएंगे, बैलेंस नहीं होता। आपने कई बार ऐसा कोशिश किए होंगे, क्लास 11th में है तो पहले भी रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश किए होंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, देख लेना, ये दे रहा हूं, CuHNO3 गिव्स CU, इसको नोट कर लो आप, NO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। इसी के जैसा एक और रिएक्शन दे देता हूं, सेम रिएक्शन दे रहा हूं, HNO3 CU, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो इसको, 3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। ये तो 4 प्रकार के अलग अलग रिएक्शन देता है। यहां पर ये जो NO NH NO2 है ना, वो ये भी बनाता है, कब एक रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें ये भी बनता है, एक रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें N2O भी बनता है। ये रिएक्शन को बैलेंस करके आप देखना, अब जिनको भी आता होगा ये रिएक्शन को बैलेंस करके देखना, देखने में बड़ा इजी लग रहा है, देखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन आपको तकलीफ देगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, है ना। मैं डिस्कवरी चैनल में देखे हो ना, ये ऐसा होने वाला पहले से बता देते हैं, पता चलता है बाद में वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कहानी है मेरी। चलो, हो गया होगा नोट, पॉज कर लेना नोट करते समय। चलिए अब चलिए, तो हमने इन रिएक्शंस के बारे में ये बताया कि इतने जो मेथड, इसके बारे में ये बताया कि कौन सा आपको ज्यादा इजी लगेगा, कौन सा ज्यादा टफ लगेगा। लेकिन इजी वाला जो मेथड है सीखने में बहुत जल्दी आज ही सीख जाएंगे, लेकिन सेकंड वाला मेथड है सीखने में आपको 3 दिन लग जाएगा पूरी कोशिश करेंगे तो। फिर ये दो चीज के बारे में अभी बात ही नहीं करेंगे, तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देती हूं। अब चलते हैं आगे कुछ और बातें। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन देखिए, अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास। इस विधि का कोई निश्चित नियम नहीं है, देर इज नो डेफिनेट रूल ऑफ दिस मेथड। इस चीज का कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है इसका बेहतर था, लेकिन हम कुछ नियम के बारे में बातचीत करेंगे। देखें फिर है नोट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय
किसी अभिकारक अथवा उत्पादों की रासायनिक सूत्र को अपने सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना, H2O को H2O2 नहीं लिख सकते आप, मतलब ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। यही कह रहा है ये, मतलब हम अपने अनुसार ये चेंज नहीं कर सकते। H2O है तो H2O ही रखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को अगर बढ़ाना है तो हम 2 कर देंगे। इसके चक्कर में हाइड्रोजन भी बढ़ गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसा है, अब बोलेंगे सर मैं ऐसा कर देता हूं तो फिर सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाना, हाइड्रोजन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यही बोला जा रहा है मेथड, ये नियम क्या है। चलो कुछ नियम बना भी दिया गया है तो उस नियम को मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इस नियम को सिर्फ इसलिए कि बाद में आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो काम करेंगे इस नियम को हम बिल्कुल ध्यान रखते हुए नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम तैयार करेंगे उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी ये आपके नोट्स पे काम आएगा और बात जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। क्या क्या बातें समझो, पहले लिखा हुआ है फर्स्ट में, रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते समय क्या करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के संकेतों एवं सूत्रों को दर्शाते हुए रिएक्शन का ढांचा समीकरण लिखते हैं। मतलब कोई रिएक्शन है तो उसको हमने लिख दिया, तो कैसे लिख दिए कि एक ढांचा समीकरण, मतलब वो एक इक्वेशन आपके पास बना बनाया आता है। जैसे कि अभी देखे थे CaOH2+H2O, मतलब इन दोनों की HCl इन दोनों की रिएक्शन हुआ और हमें ये मिला, तो इसको उन्होंने कहा ढांचा समीकरण बोला है, ठीक है। मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर बन गया है इक्वेशन का। सेकंड बोला जाता है, यदि कोई गैस O2, N2, H2 आदि हो तो उसे परमाणविक रूप में लिखेंगे। अगर रिएक्शन बनाते समय H2O2 अगर है रिएक्शन के टाइम पे तो हम किस रूप में लिखेंगे, इसको बोला है जैसे O2 को O2 ना लिख करके O लिखेंगे, N2 को N लिखेंगे और H को H लिखेंगे, तो बड़ी आसानी से हम उसको बैलेंस कर पाएंगे, ये बोला, ठीक है। और अगर आपको ये बात थोड़ा समझना है तो मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए जिंक का रिएक्शन हो रहा है HCl से और ये ZnCl2 बना रहा है, तो वो बन जाएगा, पर इसको H के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, वो एच बनता तो H2 पहले से मत लिखना बोला है। फिर भी ऐसे करने के बाद जब बैलेंस करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे, वो बात की बात है जो बताया जा रहा है उसको मैं बता रहा हूं, ये नियम है इसका। अब क्या कह रहा है, ऐसे सूत्र जिनमें अधिकतम संख्या में तत्व होते हैं उनको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, चयन कर लेंगे, फिर उनमें उपस्थित परमाणुओं को संतुलित करेंगे। बोला गया है जिस ऐसे मॉलिक्यूल को पहले चूज करोगे, ऐसे अणु को चूज करोगे जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एटम्स हैं, यानी एलिमेंट्स है, उसके एटम हैं, उसको पहले चूज कर लोगे, उनको पहले बैलेंस करने की कोशिश करो दोनों तरफ, ये बोला गया है। यहीं से एक्चुअली शुरुआत हुई है, ये दोनों से शुरुआत हुई, ये तो वैसे बना बनाया आपको मिलेगा ही मिलेगा जब रिएक्शन बैलेंस करने जाओगे तो, ठीक है। तो ये हुआ, एक मिनट में आता हूं थोड़ा सा। चलिए फिर बोला गया है, अब देखो चौथी जगह पे क्या बोला गया है, यदि उपरोक्त विधि सफल नहीं होती है, मतलब अब यहां पर अगर हम फेलियर हो रहे हैं, मतलब अनुमान में तो वही गड़बड़ है ना कि आप काम इतना सारा कर लिए और असफल हो गए, फिर आपको फिर से काम रीस्टार्ट करना पड़ेगा अलग तरह से सोचने के लिए, इसलिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये समझेंगे। थोड़ा पानी गिर गया था मैं, थोड़ा सा अब चले यहां पे। तो क्या लिखा गया है, अगर सफल नहीं होती है तब क्या करना है, तब ऐसे तत्वों के परमाणुओं को रासायनिक समीकरण के दोनों ओर संतुलित करते हैं जो कम बार आया है।
यदि हम ऊपर वाला जो सिस्टम बताया गया था ना कि जिसमें ज्यादा परमाणु होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, उस वाले को लेकर के दोनों तरफ संतुलित करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को, अगर वो मेथड काम नहीं करता है तो क्या करेंगे बोला है? तब ये देखना है कि ऐसा कोई एलिमेंट्स ले लो जो दोनों तरफ कम टाइम आया हुआ हो, उसको पहले बैलेंस करो बोल रहा, इससे भी संतुलित हो जाता है। फिर बोला गया है सरल गैस के परमाणुओं को अंत में संतुलित करते हैं, सरल गैस के परमाणुओं को जैसे H2 है, O2 है, N2 है, इस तरह की चीजों को लास्ट में बैलेंस करेंगे। फिर लास्ट में ये लिखा है संतुलित हो जाए तब इनके, तब जैसे हमने H को संतुलित किया था तो लास्ट में क्या करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके H2 बना देंगे, O है तो O ही आया था तो उसको मल्टीप्लाई करके O2 बना देंगे। अब बेटा ये जितनी बातें मैंने कहा है हो सकता है क्लास के टाइम पे आपके दिमाग में पूरी तरह नहीं गई है, जब आप नोट करोगे, जब समझोगे ना, जब आगे चीजों को मैं समझा दूंगा तब उस टाइम पर ये चीज एकदम एक्यूरेट समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्लास को 2 बार जरूर करिए, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं होता, ऑनलाइन में ये पॉसिबल होता है। मतलब ऑफलाइन में अगर आप आए हुए हो और मैंने ऐसे पढ़ा के आपको भेज दिया तो दोबारा कोई चांस नहीं है कि भैया दूसरे दिन आए बोले सर जैसे से पढ़ाए थे ना कल वैसे से पढ़ा दो, मैं आप पढ़ना चाहूंगा या पहुंचाऊंगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है ना ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ये पॉसिबल है कि आपके पास वीडियो है, दिन भर रखी हुई है, जब चाहो आप उसको देख सकते हो, दिन भर क्या साल भर रखी हुई है आपके लिए, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कुछ रिएक्शंस हैं उनको हम बैलेंस करते जाएंगे, वो चीज है। तो पहले वाले को तो मैंने बताया, दूसरा है एल्यूमिनियम कार्बाइड से हम बनाएंगे ये रिएक्शन, चलो इसको मैं बैलेंस करके आपको दिखाता हूं। चलिए एल्यूमिनियम कार्बाइड वाला दिया गया, Al4C3, इसका रिएक्शन पानी के साथ हो रहा है और बनता है AlOH थ्राइस, तो बनेगा CH4, इन्होंने कहा है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो कैसे बैलेंस करोगे जरा सोचिए। हम जैसा कि बोला गया था नियम में वैसे करके देखते हैं एक बार, फिर मैं एक बार दूसरा दो मेथड आपको दिखा रहा हूं, एक मैं एक बुद्धू तरीका है ना, सिंपल तरीका, और मतलब उसको बुद्धू तरीका कहते हो, और दूसरा कौन सा तरीका है कि जैसा हमने सिस्टम देख रहे हैं उसी में अनुमान लगाते हैं। इस तरफ कार्बन चार है, सॉरी एल्यूमिनियम चार है, तो इस तरफ भी चार कर दो एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम को चार करने के लिए मॉलिक्यूल्स की संख्या को बढ़ा दो, चार हो गया, हो गया। इस तरफ कार्बन 3 है, उस तरफ भी कार्बन को 3 कर दो यार, हो गया बैलेंस। अब बात हो रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन हो गया, देखो 1 × 3 × 4 कितना हुआ, 3 × 6 = 12, ऑक्सीजन है 12 और यहां पर ऑक्सीजन मेरे पास है सिर्फ 1, तो मैं 12 कर देता हूं इसको, 12, अब 12 हो गया ऑक्सीजन। अब सोचो हाइड्रोजन कितना है, 24, यहां पर देखो हाइड्रोजन 3 × 3 = 12, तो 12 हाइड्रोजन इधर है प्लस यहां पर भी 12 है, तो यानी कि हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 24 है और इधर तो 24 है ही, हाइड्रोजन कितना है 24 है दोनों साइड, बैलेंस। तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ये एक तरीका हुआ बैलेंस करने का जैसे कि हम लोग करते हैं। एक और तरीके अपना लो जो सिंपल बहुत ज्यादा आसान तरीका है, इसको भी करके देख लेते हैं, अगर आपको ऐसे में परेशानी हो रही तो ऐसे करके देखो, Al4C3 + H2O को हम HOH लिख दें। अब बोल रहा है कि H AlOH थ्राइस बनाता है, तो भैया हमको तो 3 बार OH चाहिए, तो 3 बार मैंने OH ले लिया एक एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है? एक एल्यूमिनियम के लिए कितने बार OH ले लिया मैंने, 3 बार OH ले लिया, साफ साफ लिख देता हूं HOH के लिए, ऐसे लिख देता हूं।
हर एक एल्यूमिनियम के लिए कितना ओएच चाहिए? 3 ओएच चाहिए, ये लीजिए। लेकिन एल्यूमिनियम हमारे पास कितने बार है? 4 बार है, तो दोनों तरफ मैंने 4 कर दिया, तो एल्यूमिनियम देखो तो अब देखो तो 4 बार, तो ये 4 बार। अच्छा अब देखो ओएच कितने बार हो गया, 4 × 3 = 12, तो 12 ओएच चाहिए, तो 12 तो मैं इसको कर देता हूं, 3 है, 3 × 4 = 12 कर देता हूं, ये लो हो गया, 3 इधर है और इसको 4 से गुणा कर दिया मैं टोटल को, तो 12 हो गया। अब देखो 12 हाइड्रोजन है इधर, तो 3 है ना, 3 × 12, और इधर कार्बन है 3, तो एक CH4 ही बनाना है आपको, कोई दूसरी चीज नहीं बनाना, क्योंकि इन्होंने बनाने के लिए कहा है। तो अगर कार्बन कितना है? 3, तो मैंने 3 कर दिया, 4 × 3 = 12, इस तरह से भी बना सकते हो। तो आप अपना अपना मेथड यूज करो, आप अपने दिमाग को ओपन रखो, जो आपको मर्जी करता वो करो। हमेशा याद रखना, शुरुआत में गलती करोगे, कितनी गलतियां करोगे, ऐसे थोड़ी कि आदमी गलती करने के ऊपर गलती करते जाता, ऐसा नहीं होता है। तो चलो कुछ और बैलेंस करते हैं। फिर बोल रहा है ये H3PO3 H3PO4 और HPS3 बनता है। चलो H3PO3 को गर्म किया गया, अब वो नहीं लिखा था, अब इससे कोई लेना देना नहीं, बैलेंसिंग के टाइम पे गर्म कर रहे हो क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। H3PO4 बनता है प्लस बनाएगा PH3। बैलेंस कैसे करेंगे इसको, जरा सोचिए। यहां पर कि हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, जबकि हाइड्रोजन इसमें 6 है, और फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 2 है, यहां पर फास्फोरस 3 है, सॉरी ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहां पर 4 है। एक बात समझ में आ रही है कि मैं अगर यहां पर मैं अगर 2 लिख देता हूं तो हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, फास्फोरस हो गया 2, फास्फोरस हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 6 है और यहां पर ऑक्सीजन बच गया, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, 6 नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि मैं करूं क्या, तो एक सिंपल सा यहां पर तरीका अपना के देख लो कि आप ऐसा करके देखो, ये ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लो जो गड़बड़ कर रहा है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है, इस नंबर को 4 से, वो नंबर 4 है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पर ये 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, शायद इससे कोई जवाब मिल जाए। देखें तो क्या मिला, ये हाइड्रोजन हो गया। अच्छा अब फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस इस तरफ 4 है, यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, यानी कि फास्फोरस इधर भी 4 है उधर भी 4 है, देखो फास्फोरस अपने आप मेंटेन हो गया, अपने आप बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो कितना, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही चुका है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, फास्फोरस भी हो गया। हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन 4 × 3 = 12, हाइड्रोजन इस तरफ 12 है, उस तरफ कितना है, ये देखो 3 × 3 = 9 + 3 यानी कि 12, तो उस तरफ भी 12, इस तरफ 12, बैलेंस हो गया, परेशानी खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई, बैलेंस हो गया। यही एक छोटी छोटी बातें आपको हर बार, तो इन्हें बोला ना कोई फिक्स मेथड नहीं है, और फिक्स मेथड बनाएंगे भी तो पॉसिबल नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हर एक रिएक्शन के साथ अपना कुछ टेक्निक यूज करते जाना है और वो बनते जाएगा। सो हर एक रिएक्शन को कई कई बार आप बना के देखो, फिर अपने आप दिमाग में कुछ अपने से दिमाग में नियम डेवलप होने लगता है, ठीक है, और वही जो नियम डेवलप होता है ना अपने माइंड में, वही चीज इस चीज का नियम बन जाता है, और वो जो नियम लिखा हुआ है ना 4, 5, 6, 5, 6, वो 5, 6 एक नियम को अगर कितनों भी रट्टा मार लो और जब काम करने की कोशिश करोगे तो फिसड्डी हो जाओगे, क्योंकि वो काम कर ही नहीं कर पाएगा वो, चूंकि वो बुक्स में दिया है, चूंकि वो राइटरों ने दिया है, ऑथर ने दिया है और साइंटिस्ट ने दिया है वो नियम, इसलिए वो नियम आपको बताया गया है। बाकी बैलेंस करने के लिए कौन सा नियम है, कोई स्कूल में कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हो, कोई नहीं पूछेगा, बस दिया जाएगा इन रिएक्शंस को बैलेंस करके दो, तो उसको बैलेंस फॉर्म में आपको देना है। यहां तक कि किस नियम से बैलेंस करना ये भी नहीं पूछा जाता, भाई इस नियम से इसको बैलेंस करो ऐसा भी नहीं पूछा जाता, आप अपना मेथड खुद बनाना पड़ेगा आपको। तो चलो चलते हैं अब कुछ और बातें हैं, अब इसको देखते हैं क्या है।
पोटेशियम परमैंगनेट के HCl से रिएक्शन कराते हैं तो KCl, MnCl2, H2 और Cl2 बनता है। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। रिएक्शन है KMnO4 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस O2। ये था रिएक्शन का। इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? चलो जो लिखा हुआ है उसी स्ट्रक्चर के साथ पहले बैलेंस करके देखते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो हम इसको अलग से अपना नियम बनाते हुए फिर बैलेंस करेंगे, है ना, यही तरीका है इसका। चलो देखो, चलो अपना अपना सोचते जाओ, अपनी कॉपी में चलाते जाओ और मैं बताते जा रहा हूं। इधर K1 है, इधर K1 है, दोनों तरफ ये बैलेंस है। Mn1 है, Mn1 है, ठीक है। O4 है तो O को तो लास्ट में बैलेंस करना, क्योंकि O को O फॉर्म में भी लिख सकते हो, लास्ट में बैलेंस कर लेना। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इस तरफ K1 Cl के बाद Cl, इधर देखो एक है, जबकि तो Cl इतने बार, तीन बार है। आपको ऐसा लग रहा हो कि चलो मैं इसको तीन रख देता हूं, थ्री लिख दूं, तो हो गया के भी, हो गया Mn भी, हो गया और Cl भी हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का कुछ लफड़ा है, हाइड्रोजन आपके पास यहां पर तीन है जबकि उस तरफ हाइड्रोजन सिर्फ दो है। अब इसको तीन तो कर नहीं सकते, फिर कैसे करोगे? तो मान लेते हैं मैंने इसको थ्री कर दिया, चलिए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन सिक्स हो गया, तो मुझे यहां पर हाइड्रोजन को सिक्स करना पड़ेगा। चलो मैंने इसको सिक्स करा, ठीक है, हाइड्रोजन को कितना किया, सिक्स किया, तो क्लोरीन कितना हो गया, छह हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, इसको टू कर दें, इसको टू कर दें, तो कितना हो गया, देखो तो ये दो क्लोरीन हो गया, छह क्लोरीन हो गया, चार क्लोरीन हो गया, छह क्लोरीन हो गया, तो ये Mn2 हो गया, वो भी टू हो गया। मैंने इसको टू कर देता हूं, तो देखो दोनों तरफ, क्योंकि के दो बार है ना, तो देखो के दोनों तरफ दो बार है, Mn दोनों तरफ दो बार है, Cl दोनों तरफ छह बार है, HB दोनों तरफ छह बार है, बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ आठ बार है, जबकि ऑक्सीजन इस तरफ है थ्री और इधर कितना है टू, यानी कि फाइव है, जबकि उसमें आठ बोला गया है, इस तरफ आठ ऑक्सीजन है, इसको आठ किया जा सकता है, ये तीन को तीन रहने दो ऑक्सीजन को, इधर इसको पांच कर दो, थ्री प्लस फाइव, तो फाइव कैसे करोगे इसको? इसको फाइव करने के लिए मैंने कहा था रिएक्शन को बैलेंस करने समय जब कोई सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है N2O2 ये सब होते हैं तो क्या कर दो, उसको O के फॉर्म में लिख लो, एक परमाणु के रूप में लिख लो। तो यहां पर आप क्या कर दो, इसको पांच कर दो, आपने पांच किया, बैलेंस हो गया, देखो हो गया। लेकिन हम यहां पर हम इसी रूप में नहीं रख सकते, इसको O2 करना है। O2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरा फुल रिएक्शन को, टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरा रिएक्शन, इस तरह से जवाब मिल गया। इसको O2 लिख सकते हो फिर, कैसे देखो, दो से मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये हो गया 4KMnO4 प्लस ये 12HCl गिव्स 4KCl प्लस 4MnCl2 प्लस 6H2O प्लस 5×10, ये हो गया 10O। तो 10O को क्या कर दो भैया, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखते समय 5O2 जैसा कि उसने क्वेश्चन में लिखा था, बैलेंस हो गया। अब इसी चीज को दूसरे तरह से भी बैलेंस करके देख सकते हो। चलो ये हो गया बैलेंसिंग, अब बोलो सर इसको दोबारा समझा दो, तो ऐसा नहीं है, आप कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। हम एक बात और कहेंगे यहीं पे बैलेंसिंग के टाइम पे, आप रिएक्शन बनाते समय भी बैलेंस कर सकते हो। देखो कैसे, KMnO4 है, मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो भैया एक K और एक Cl निकल गया, ठीक है। दूसरी बात है MnCl2 भी बन सकता है क्या, Mn के लिए दो Cl चाहिए तो मैंने दो HCl लिया, ये लो ये Mn के साथ निकल गया, तो ये बन गया MnCl2। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर हो रहा है हमको कि तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के बन जाता है पानी,
क्या बन जाएगा? H2O। तो चार में तीन ऑक्सीजन बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक प्रॉब्लम आ गया। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी मिला है आपको इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो ये हो गया कितना? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अच्छा अब क्या बच गया बेटा? एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ, एक ऑक्सीजन नहीं बचा हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा बचा हुआ है, एक, हाँ तीन बचा हुआ, तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है सम संख्या में है और हाइड्रोजन को भी सम संख्या में लेना पड़ेगा, इसलिए। तो देखो कितना हुआ, तो 2KMnO4 हो गया, प्लस क्या मिल गया आपको? 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो HCl 6 टाइम हो गया, 6 HCl हो गया, गिव्स ये 2KCl हो गया, प्लस 2MnCl2 हो गया, प्लस 2H2O हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन है। ये देखो हाइड्रोजन को 2 करना है ना, H2 करना है, इसीलिए हुआ। तो ये 3 × 2 = 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया और 2H हो गया। तो 2H एक ऑक्सीजन लेकर के एक पानी और बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, पानी बन गया। तो पानी को यहां पर 2 था वो अब 3 हो गया, इस तरह से। तो यहां पर थोड़ा सा बैक करोगे, अगर आपको कहीं पर क्लियर नहीं होती, तो कितना बचा ऑक्सीजन? बचा 5। तो हमें यहां पर बचा 5 ऑक्सीजन। मैंने कहा अगर कोई तकलीफ होती है कहीं पर, तो जब आप है ना, जब री रीडिंग करोगे, दूसरी बार इसको पढ़ोगे, तो उसको थोड़ा सा पीछे कर करके देख सकते हो, है ना, तो बात समझ में आ जाएगी। चलो हो गया, तो ये हो गया 5 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को 5O है तो 5O2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो फाइनल, तो क्या होगा? 4KMnO4। मैंने चाहे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि उसको O2 बनाना है। तो 12 HCl गिव्स 4 HCl प्लस 4 MnCl2 प्लस 6 H2O प्लस 10 है, तो उसे मल्टीप्लाई किए तो 10 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 5O2। यही बैलेंसिंग है। सो बैलेंस करने में तकलीफ नहीं होती है, बस उसको क्या करना पड़ेगा? एक प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा। हम तो वहां पर ऊपर में ही कर दिए थे एक साथ, लेकिन हमने और बताया एक दूसरी मेथड भी यूज करके देख लो, ठीक है? तो आप जिस तरह से भी कर सकते हो, कोशिश करना है और सरल है। जिन बच्चों ने कोशिश किए होंगे वो सक्सेस भी होंगे, लेकिन बेटा आपको ये पूरा मेहनत करना पड़ेगा। आंशिक समीकरण विधि जो है ना, जो सेकंड मेथड है, उसको 3 दिन लगेगा, लेकिन उस 3 दिन में पूरी तरह सीखोगे और कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर पाओगे। लेकिन उसको सिखाने के लिए इस चैप्टर के आखिरी के टाइम पे हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी नहीं बताएंगे। कुछ एक होमवर्क दिया है, उसको भी आप बना के रखिएगा और कोशिश करिएगा उसको बना सके। एक और है बचा हुआ, उसको भी करके देख लेते हैं। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। चलो देखते हैं इसको बैलेंस करके। रिएक्शन आपका ये था, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। ये है इसका। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, जो बातें मैं बता रहा हूं अभी हर बार बोल रहा हूं, कि जिन बच्चों ने कभी बैलेंसिंग नहीं किए हैं उनको वो फालतू लगेगा। जिन बच्चों ने बैलेंसिंग किए हैं उनको लगेगा टाइम बर्बाद हो रहा है, और जिन बच्चों को जो सीख रहे हैं उनको लगेगा यार इतना मेहनत क्यों करना। मतलब हर जगह पे, तीनों जगह पर नेगेटिव है ज्यादा से ज्यादा। कुछ एक बच्चे ही हैं जिनको लग रहा है यार इसको सीखना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि पूरी केमिस्ट्री में अगर आप इस चीज को नहीं करोगे तो आप केमिस्ट्री के लिए एकदम अधूरे से हो जाओगे।
इसके बगैर काम चलेगा कि नहीं, ये कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं मुझे, मैं कहता हूं इसके बगैर नहीं चलेगा। अब बोलेंगे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं यार हमारे भैया तो सर उनको नहीं आती फिर भी वो 12th अच्छे मार्क्स से निकाले हैं, ठीक है वो निकल गए, लेकिन वो डर में तो है, दर्द तो है उनमें, वो दर्द तुम में ना हो। और जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं ना तो इस बैलेंसिंग की भी जरूरत पड़ती है, एमसीक्यू सॉल्व करने में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। सो वो बहुत सारी जरूरतों को बताता है, तो इसीलिए आपको करना है ये काम। चले ठीक है, ठीक है चलो चले। बिल्कुल साफ जवाब यहां पर कुछ मिलने वाला है, उस पर ट्राई करते हैं। दो के है, दो के है, दो सीआर है, दो सीआर है। अब ऑक्सीजन यहां पर SO4 सेट है दोनों तरफ, उसमें एस को अलग नहीं किया गया, तो SO4 यहां पर 1 टाइम है, यहां पर 3 टाइम है, यानी कि टोटल इस साइड 4 टाइम SO4 कर देते हैं। चलिए 4 SO4 हो गया, तो ये इतना निकल गया, इतना निकल गया, ठीक है। और ये देखो ये दोनों इतने में कंप्लीट हो बैलेंस। अब जो बचा है वो देखिएगा, 7 टाइम ऑक्सीजन बचा हुआ है और H2 4 टाइम, इसमें से 4 ऑक्सीजन ले लेगा तो 4 पानी बन जाएगा, बच गया 3 ऑक्सीजन, बच गया इस जगह से 3 ऑक्सीजन बच गया, तो 3 ऑक्सीजन के लिए मैं लिख दूं 3/2 लिख दूं, या तो 3O लिखो या फिर 3/O2 लिख देता हूं, तो 3/O2 का क्या मतलब हुआ, इनटू 2 होता है ना, तो 6/2 यानी कितना हुआ 3, तो 3 ऑक्सीजन हुआ, तो ये ऑक्सीजन कितना है 3। लेकिन आपको ये इस तरह की चीजों का यूज नहीं करना रहता है, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल हो गया बैलेंस। तो क्या लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2K2Cr2O7 प्लस 8H2SO4 गिव्स 2K2SO4 ना, K2SO4 प्लस 2Cr2SO4 थ्राइस प्लस 8H2O प्लस 3O2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो। इस तरह से ये टॉपिक जो है ऐसे ही रिएक्शन को बैलेंस करते जाना है और बनाते जाना है। तो मेरा ये कहना था कि ये जो छोटी छोटी जो रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं, आप अपना बुक ओपन करेंगे और भी रिएक्शन होंगे, उनको सॉल्व करके देखिए, बुक के अंदर भी और भी होंगे। तो मैंने एक जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है कि किस किस तरह से मैं किन किन चीजों को सिखाऊंगा, तो पहले आप उसको सीख पाएंगे और उसके बाद और भी दूसरी चीजों को कर पाएंगे। सो ये एक टेक्निक होता है कि हम कुछ एक एग्जाम्पल को सेट करके रखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। आप अपनी तरफ से कोई भी दूसरे रिएक्शन है उनको बैलेंस करें। मैंने एक रिएक्शन दिया है उसको बैलेंस करके देखिएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे उसको, आंशिक समीकरण विधि, यानी कि सॉल्व हो जाता है लेकिन टाइम जा रहा है ना। मैंने बोला ना ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इजी है तो बन गया, थोड़ा सा टफ हुआ तो नहीं बनता है। अब ये देखने में ये ज्यादा कठिन था लेकिन होने में ये सरल था। ऐसे ही मैंने बताया Cu प्लस HNO3 देखने में सरल है, सॉरी ये देखने में बड़ा सरल है, उससे कहीं ज्यादा सरल है लेकिन इसको सॉल्व करने में ज्यादा कठिन है। डराना काम मेरा नहीं है, बताना मेरा काम है और सिखाना मेरा काम है ताकि आप सीख जाएं। तो बेटा आज की ये जो क्लास है यही समाप्त करेंगे और हम कहेंगे आप प्रैक्टिस करो और ज्यादा अच्छा कर पाओगे। प्रैक्टिस करके आओगे कि नहीं ये मुझे बताओ जरूर। और आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, अगर कोई डाउट होगा तो हम एक डाउट क्लास लेंगे, उसमें हम बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू।